स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में हम आज आपको जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बता रहे हैं। जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट वन है। इसमें कुल आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसके बाद हम 10 ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको देंगे। यदि आप इन 10 को तैयार कर लेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए, तो यहां पर क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है कौन सा है। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है, तो अगर जो बच्चे अंग्रेजी समझते हैं वो अपना अंग्रेजी से देखेंगे और जो हिंदी समझते हैं वो हिंदी से देखेंगे। तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी ने सुना भी होगा। ये पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गायत्री। गायत्री जो है ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो यहां पर चार ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा, पकी ईंट से बनी इमारत, ये यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत, शैव मत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है जैन मत से है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है, मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जौनपुर जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर टू, लॉर्ड मिंटो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिन ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेंटिक। तो ये हमारा जो है इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। नंबर नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी। तो यहाँ पर हमारे पास इस इधर तीन ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। तो ये तीन ऑप्शन है, पहला महिलाओं की शिक्षा, दूसरा संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनिमयन, तीसरा उच्च शिक्षा से राज्य समर्थन की धीरे धीरे वापसी, और एक और ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यही सही हो जाएगा, तो उस ऑप्शन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया। तो सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों का प्रस्ताव पर प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यदि आप अगर सही से नहीं पढ़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन भीमराव अंबेडकर पर ही जाएगा, जबकि इसका सही जवाब जो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बात ध्यान दीजिएगा, सातवें का बी ऑप्शन। हमारा आठवां प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर, अब नौवां प्रश्न जो है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवाह, ऑप्शन बी ध्रुवों का भ्रमण, ऑप्शन सी रूपांतरण भ्रंश एंड ऑप्शन सी सागर नितल प्रसरण। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ध्रुवों का भ्रमण जो है ये सही हो जाएगा। हमारा दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में उसका उद्गम नहीं है। सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास।
तो ये आपका जो सतलज नदी है इसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। नंबर नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, 0 अंश अक्षांश के पास, ऑप्शन दूसरा जो है 23 अंश अक्षांश के पास। तो आप सबने ये पढ़ा जरूर होगा, ये एक रटा रटा क्वेश्चन है, 23 अक्षांश के पास ये सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी में पढ़ दिया हमने, अकारण एवं पेगू योमा कहाँ स्थित है, अकारण एवं पेगू योमा कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा म्यांमार जो है सही हो जाएगा, ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यांमार। अब अगला प्रश्न है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, ऑप्शन ए केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल यूके में, ऑप्शन सी केवल यूएसए में, ऑप्शन डी जो है भारत और यूएसए दोनों में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर नेक्स्ट, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद, यहाँ पर कई अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद की प्रक्रिया के मतलब की फलस्वरूप ये किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ये किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट हमारा है 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, 1 वर्ष 2 वर्ष 6 माह और 3 वर्ष में कौन सा ऑप्शन सही होगा राष्ट्रपति शासन के लिए। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हमारा 16वां प्रश्न यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है। 16वां प्रश्न, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, और या फिर जब भी समय मतलब जब किसी भी समय जब चाहें। तो इसका ऑप्शन जो है सी ये सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी ये तो हो नहीं सकता, आप सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर ये भी नहीं हो सकता, 21 अप्रैल और 24 अप्रैल में ही कोई सही होने वाला है। तो ये आपका जो है 24 अप्रैल को जो है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आय वितरण मापा जाता है किससे, फिलिप वक्र से, लारेंज वक्र से, मार्शल वक्र से, लाफर वक्र से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है लारेंज वक्र से आय वितरण मापा जाता है। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, वो आपका कौन सा मतलब साधन होगा ये यहां पर आपको बताना है, ठीक है, आरबीआई बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, मसाला बॉन्ड और ओवरसीज बॉन्ड। तो ध्यान दीजिएगा, यहां सी नंबर जो आपका होगा मसाला बॉन्ड इसमें सही हो जाएगा। नंबर 20वां क्वेश्चन हमारा है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो यह आपका डी नंबर सही होगा, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो है 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ गया है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस मतलब कि किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसे कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये एक रटा रटा क्वेश्चन है, बैरोमीटर, किसका, बैरोमीटर का यूज करते हैं। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो आप सभी को, अगर आप केमिस्ट्री लिए हो और साइंस पढ़े हो और, तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां नंबर हमारा है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जो है थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है,
तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में से जो आपका तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में, मतलब यहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब 24 वाला देखते हैं, मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है प्लीहा लीवर विक पित्ताशय। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो है किडनी में जो है यूरिया का निर्माण होता है, जहाँ पर यूरिन का निर्माण होता है उसी में यूरिया भी होती है। और 25 और लास्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर नैनोमीटर हापस क्यूबिक फुट फुट क्यूबिक टन। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है भूमंडलीय हेक्टेयर, ये पारिस्थितिकीय छाप पदछाप की माप की क्या है इकाई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।